मामा जी आप खाने में क्या बना रही हैं मैं खाने में आज सब्जी बना रही हूँ। जी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज हम खाने में क्या बना रहे हैं, तो आप मेरी रेसिपी जरूर देखिएगा और चलिए हम किचन में चलते हैं। और आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आपने मेरी रेसिपी जरूर देखनी है और मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले आए हम पहले अपने किचन में चलते हैं। और वीडियो मेरा बेटा बना रहा है, असलान बना रहा है, तो मैंने बोला चले मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो बस अभी हम किचन में चलते हैं। अभी अभी मैं धूप में आकर थोड़ी देर बैठी थी, मैंने बोला थोड़ी धूप में बैठूँ क्योंकि अंदर थोड़ा मैं काम करके आई थी, तो मैंने बोला थोड़ी धूप में बैठ जाऊँ। तो बच्चे मेरे अंदर खेल रहे हैं, लाइबा भी खेल रही है, सुफियान भी खेल रहा है। तो चले हम किचन में चलते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, मैं आपको अपनी रेसिपी दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बना रही है। तो चले हम पहले किचन में चलते हैं, आ जाए। अच्छा जी हम किचन में आ गए हैं और आज मैं क्या बना रही हूँ चलिए आपको बताती हूँ। आज मैं वेजिटेबल ये सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी बना रही थी, तो मैंने बोला मैं आपको अपनी रेसिपी आपको भी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो आप जैसे बनाते हैं आप मेरी भी देखिएगा रेसिपी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। हम मैं अपने घर में बनाती जैसी हूँ मैं आपके आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने इसके लिए जी थोड़ा सा छोटा प्याज लिया है, मीडियम साइज़ एक प्याज मैंने छोटा सा लिया। इसके साथ मैंने तीन छोटे छोटे टमाटर थे, अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो आप दो लें और अगर आपके पास छोटे हैं तो आप तीन ले लें। तो मैंने तीन लिए हैं क्योंकि छोटे छोटे थे टमाटर तो मैंने वो लिए। थोड़ा लहसुन अदरक मैंने कूट लिया है, चट्टू भट्टे में थोड़ा सा लहसुन अदरक कूट लिया। उसके साथ मैंने थोड़ी सी ये मिर्चें काट ली हैं और हरी मिर्चें हैं ये दो, ये बाद में ऐड करूंगी। और ये आलू गोभी है, आलू गोभी मेरे पास एक फूल था तो मैंने वो काट लिया। तो बस अब हम रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। अच्छा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल लिया हुआ है, हम चूल्हा ऑन करते हैं इसके लिए। तो चलिए हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। चले जी हमने प्याज डाल लिया, अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। अच्छा आलू गोभी मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने मसाले क्या क्या लिए हैं ये भी आप देखें। मसाले मैंने इसके लिए लिए हैं ये थोड़ा सा गरम मसाला नहीं, जीरा है, उसके ऊपर काली दो तीन मिर्चें हैं और लौंग है दो तीन, बाकी ये कलंजी है ब्लैक वाली और ये सूखा धनिया एक चम्मच है। आप अपने हिसाब से जितनी आपकी गोभी आप अपने हिसाब से रख ले मसाला। तो मेरे पास तो एक फूल था मैंने अपने हिसाब से रखा है और मेरे पास ही ये एक चम्मच से आधा चम्मच ये नमक है, साथ हल्दी है थोड़ी सी और मिर्च है आधा चम्मच, बाकी ये कुटी लाल मिर्च है और ये आपको मैं सूखा धनिया। तो ये मैं मसाले भी इसमें डालूंगी, तब तक हम ज़रा प्याज को ब्राउन कर लें। तो ये मैं अपनी रेसिपी बता रही हूँ, वैसे तो आप अपनी रेसिपी बनाते हैं आपको अच्छी लगती है लेकिन मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अभी हम ये प्याज को हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा नॉर्मल सा इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लें। सबसे पहले ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपको सालन में ऑयल अच्छा लगता है, यानी आप कम डालना चाहते हैं कम डाल लें, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। मैंने अपने हिसाब से डाला है ऑयल, तो आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आप डालना चाहते हैं। तो बस जल्दी से हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए जी हमारा प्याज देखिए ब्राउन हो गया, हमने बिल्कुल ऐसा ही प्याज रखना है, ज़्यादा नहीं है हमने प्याज को उबलाना। तो अभी हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे। चलो लहसुन अदरक ऐड किया और हल्का सा हम पानी भी डालेंगे। चले अब हमने इसको लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये देखें बिल्कुल फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए हम क्या डालेंगे। मसाला आपने चम्मच मारना है ताकि आपको मसाला लगे ना, तो
इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं ये भी आप देखें। इसके साथ ये जो मैंने मसाले हैं ये अब इसके अंदर मैं सारे डालने लगी हूँ। ये देखें सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। अच्छा मसाले डालते ही आपने हल्का सा पानी डालना ताकि हमारे मसाले लगे ना नीचे से, क्योंकि आपको पता है मसाला डालते ही रंग थोड़ा काला हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ना पानी डालना चाहिए ताकि ना हमारा मसाला थोड़ा काला काला ना हो जाए, तो हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए। तो ये देखें हमारा बस मसाले भी डाल दिए हमने। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रख ले, मैंने अपने हिसाब से रखी है क्योंकि नमक मिर्च हर कोई अपने हिसाब से खाता है और मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। नमक भी अपने हिसाब से डालें, अगर आपको नमक तेज़ लगता है तो आप तेज़ करिए। हल्दी नमक अपने हिसाब से, प्याज मैंने छोटा मीडियम साइज़ का लिया था, प्याज मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। तो हम हल्का सा अब इसको इसमें आप बुनाई कर रहे हैं। चले हमारा मसाला तो हो गया, अब इसमें मैं ये टमाटर डालने लगती हूँ। टमाटर मैंने 3 लिए थे छोटे छोटे। और गोभी आलू आपको मैं बना के दिखा रही हूँ, आप देखना कि मेरी गोभी आलू की मतलब जो शक्ल आती है वो कैसी आती है। बिल्कुल खड़ी खड़ी गोभी हम बना रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छा बिल्कुल वो एक हलवा जो बन जाती है गोभी वो वैसी बिल्कुल नहीं बना रही मैं गोभी, क्योंकि वो फिर गोभी की फिर पता क्या चले कि हमने गोभी बनाई है क्या बनाया है। तो गोभी की शक्ल आपको पता है, गोभी पता तो चलना चाहिए, खड़ी खड़ी गोभी अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पर हम टमाटर डाल रहे हैं और थोड़ी हरी मिर्चें 2-3 मैंने काटी थी वो डाल दी हैं। तो बस इसको मैं हल्का सा बुनाई कर रही हूँ, तो साथ साथ हम बर्तन भी साइड पे करेंगे अपने। चले अब इसकी बुनाई हो रही है, साथ साथ इसकी बुनाई कर रहे हैं। इसकी 1 मिनट बुनाई हो जाएगी ताकि हमने जो टमाटर डाले हैं, वैसे तो सब्ज़ी आपको पता है खड़े मसाले की अच्छी लगती है, सब्ज़ी को ज़्यादा हमने भुनाई नहीं करनी चाहिए, सब्ज़ी को ज़्यादा भूनना भी नहीं चाहिए। सब्ज़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है क्योंकि सब्ज़ी का फिर अगर ज़्यादा भूनेंगे तो उसका कलर भी एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। तो हमें सब्ज़ी को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, बस जब उसको डालते हैं तो बस 1-2 मिनट उसको चम्मच मिक्स करके फिर उसके ऊपर ढक्कन दे देना चाहिए ताकि वो दम पे ही बन जाती है। जब उसको दम लगाते हैं ना सब्ज़ी को तो वो दम पे ही बन जाती है, तो हमें दम पे रखनी है हमने, तो वो आलू गोभी हमारी दम पे तैयार हो जाएगी। तो बस अभी ये मसाला हम बनाई कर रहे हैं, मसाला मेरा भुन जाए फिर हम आलू गोभी डालते हैं। चले यहाँ पर हमारा मसाला भी मैंने भून लिया, अब मैं इसमें ये देखें ये मैंने आलू गोभी निकाल लिया इसके अंदर, अब ये मैं इसके अंदर डालूँगी। आलू आप डालना चाहे तो डाल लें, क्योंकि बच्चे हैं बच्चों खुश होकर खा लेते हैं आलू, तो मैं आलू मैंने डालने हैं तो बस आलू वाला मैं आलू को भी बना रही हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे। तो ये अब हम इसको मिक्स करेंगे। बस अभी हमने इसको मिक्स किया है, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल ढक देंगे। और ये अपने ही ये इसका जो पानी होता है सब्ज़ी का ये अपने ही पानी में पकती है, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती पानी डालने की, और ये बिल्कुल अपने पानी में पकेगी। सब्ज़ी हमेशा अपने पानी से ही पकती है, तो इसको हम हल्का सा चम्मच हिला के फिर इसके ऊपर हम ढक्कन देते हैं। चलिए जी अब हम इसको दम पे रखेंगे और उसके ऊपर हम ढक्कन देंगे ताकि ये दम पे पक जाएगी, और आग इसकी बिल्कुल हल्की स्लो कर देंगे ताकि इसकी स्लो आग पे ये बिल्कुल दम पे बनेगी गोभी। तो बस हल्की हमने चूल्हा कर दिया है, और जब ये इसकी जो फाइनल इसकी शक्ल निकलेगी आलू गोभी की वो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो चलिए हम इसको दम पर रख दिया, अब ये पक जाएगी। चलिए जी हम किचन में आ गए और अपनी गोभी भी देखें हम। चलिए अच्छा ये देखें बिल्कुल हमने पानी नहीं डाला था, ये बिल्कुल अपने पानी में ही इसने देखे पानी छोड़ा हुआ है और अपने पानी में ही ये गोभी बनी है। तो ये देखें बिल्कुल गल भी गई है, और गोभी मैंने बिल्कुल खड़ी खड़ी गोभी रखी है, ये देखें गोभी गल भी गई है और ये खड़ा खड़ा फूल है, बिल्कुल गोभी घुली नहीं है। और आलू भी चेक करते, आलू देखे बिल्कुल नरम हो गया है। ये देखें आलू एक तोड़ के देख लेते हैं।
ये देखिए आलू भी हमारा टूट गया, तो गोभी हमारी बस बन गई है। तो बस अभी इसके ऊपर हम अब क्या डालूंगी मैं इसके ऊपर, तो गोभी हमेशा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अच्छा हलवा गोभी नहीं मैं बनाती, मैं खड़ी खड़ी बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, गोभी का मेरा सालन कैसे लगा। और बस बच्चे भी पास खड़े हैं और बच्चे भी जल्दी से खाना मैं उनको दूंगी क्योंकि अभी मेरा सालन बन गया, तो मैं जल्दी से बच्चों के लिए साथ साथ रोटियां भी बनाऊंगी। आप चाहे तो इसके साथ नान खा सकते हैं, कुछ भी, गोभी आपको पता है गोभी हर एक को अच्छी लगती है। गोभी के साथ आप पराठा भी खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं अभी इसका देखिए अब बन गई, इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया, ये देखिए बिल्कुल खड़ी, टूटनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है सालन गोभी जो होती है ना, खड़ी खड़ी गोभी अच्छी लगती है। तो चले आप इसके साथ कुछ भी खा सकते हैं, चाहे आलू गोभी का पराठा बना लें, चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे चपाती के साथ, किसी के साथ भी खाएं। और इसके ऊपर अब हम धनिया डालेंगे। अच्छा साथ साथ मैंने ये अंडा भी रखा है, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर ही। तो ये अंडे की जर्दी है, ये अंडे की जर्दी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। चले एक मिनट में पहले ऐड कर लूँ फिर दिखाती हूँ। चलो जी हमने ऐड कर लिया और ये देखिए हल्की हल्की ये जर्दी भी ऊपर आ गई है। तो बस हमारी गोभी तैयार हो गई है। तो चले अब इसके ऊपर मैं क्या डालूँगी वो भी आप देखिएगा। चले जी हमने इसके अंदर डाल दिया गोभी और अब मैं इसके ऊपर क्या डालूँगी आप इसके ऊपर। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, धनिया तो वैसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ लेकिन मैं आपको जी धनिया आपको अच्छा लगता है तो आप डाल ले, हम तो सालन में डालते हैं धनिया। तो चले मेरी गोभी बिल्कुल आलू गोभी मेरी तैयार हो गई जी मम्मा। तो चले आप मुझे बताइएगा कि मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर मुझे आपने मेरी वीडियो देखनी है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है और मुझे आपने ज़रूर बताना है। अगर मेरी वीडियो आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपनी दुआ में ज़रूर अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और हमें भी याद रखिएगा। तो चले फिर अपना ख्याल रखिएगा और माशाल्लाह रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी और माशाल्लाह सबको अच्छी लगेगी, घर में अपने बच्चों को भी खिलाए, सबका ख्याल रखे। तो चले फिर अल्लाह हाफिज़।